question. The position of a point can be fixed more accurately by a crow's staff, optical square, oblique offset and perpendicular offset. तो जो हम पोजीशन, ये जो ऑफसेट है ना, ये पर्टिकुलर किसी भी सरफेस की या किसी भी मान लो कोई आपका ग्राउंड है और आपने किसी पर्टिकुलर जगह का मेजरमेंट किया, उसके बारे में डिटेलिंग देता है, नॉट ये फिक्स पॉइंट नहीं देता है. तो ये दोनों तो ऑप्शन गए, है ना. अब बचा क्रॉस स्टाफ एंड ऑप्टिकल स्क्वायर. आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रॉस स्टाफ. जो क्रॉस स्टाफ होता है ना, ये यूज किया जाता है सेटिंग आउट द ऑफसेट एट राइट एंगल. ठीक है, जो मेजरमेंट होता है ना, ये ऑफसेट हम मेजरमेंट करते हैं और ये राइट एंगल मेजरमेंट होता है. ठीक है, राइट एंगल मेजरमेंट होगा, ये जो इसका जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है, मान लो ये ऐसे है और ये कुछ ऐसा होता है, दोनों तरफ से होता है. है ना, तो इस मेजरमेंट में हम जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस स्टाफ, है ना. तो ये जो क्रॉस स्टाफ है, ये सेटिंग आउट किया जाता है ऑफसेट एट राइट एंगल एंड एट एनी पॉइंट इन सर्वे लाइन. सर्वे लाइन में कहीं भी आपको राइट एंगल बताना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस स्टाफ यूज करेंगे. क्रॉस स्टाफ लगाएंगे और राइट एंगल को मेजरमेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं क्रॉस स्टाफ. अब जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है ना, वो ऑप्टिकल स्क्वायर क्या किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है सेट आउट द राइट एंगल. ये भी सेट आउट द राइट एंगल किया जाता है, पर इसका जो फिक्सिंग पॉइंट होता है ना, वो मोस्ट एक्यूरेट होता है. क्योंकि ये जो होता है ना, ये इसमें हम रोड यूज करते हैं. मान लो कि ये आपका आई पीस है, आप ऐसे देख रहे हैं, तो इस ऑफसेट पे कुछ इस तरह का होता है. ये रोड वन होती है, यहाँ पे मान लो रोड टू, ये रोड वन है और ये आपकी रेंजिंग रोड आप यूज करेंगे वो टू है. तो मेजरमेंट जो होता है ना, यहाँ पे मिरर होता है ना, और यहाँ पे भी मिरर होता है, तो उसका मेजरमेंट यहाँ से हम इसको देखते हैं और इसको इससे देखते हैं. ओके, तो इसमें जो मेजरमेंट होता है ना, वो बहुत ही एक्यूरेट होता है. फिक्सिंग पॉइंट हम बहुत ही एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं इन द केस ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर. और जो ऑप्टिकल स्क्वायर है ना, ये डबल रिफ्रैक्शन पॉइंट, आप देखो रिफ्रैक्शन पड़ रहा है इस वाले रोड का, इस वाले पे फिर से हम इसको देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन. तो जो आपका जो ऑप्टिकल स्क्वायर है ना, वो डबल रिफ्रैक्शन क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डबल रिफ्रैक्शन. ठीक है, और जो इंडेक्स मिरर है, वो आपका एक इंडेक्स मिरर होता है इसमें, है ना. इसको हम बोलते हैं, ये जो दो इंडेक्स, यहाँ पे एक मिरर, यहाँ पे एक मिरर, यहाँ पे है, तो इस वाला, ये वाला जो मिरर होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स मिरर. क्या बोलते हैं, इंडेक्स मिरर. और इसको हम बोलते हैं हाफ पेंटेड मिरर. और जो आपका इंडेक्स मिरर होता है, ये फुल पेंटेड होता है और ये सिल्वर पेंटिंग की जाती है इसमें, ये भी आप याद रखना. ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर. और एक और हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ द ऑफसेट करने के लिए, जो स्टाफ होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेंच स्टाफ. क्या बोलते हैं, फ्रेंच स्टाफ. ये जो फ्रेंच स्टाफ होता है ना, ये स्टैब्लिश करता है पॉइंट 45 डिग्री पे करना है आपको, 90 डिग्री पे करना है एंड 135 डिग्री पे. ये इन तीनों डायरेक्शन, तीनों एंगल पे मेजरमेंट आपको कर सकता है. स्टाफ को बना सकते हो, किसी भी स्टैब्लिश ऑफसेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू चेन लाइन 45 डिग्री, 90 एंड 135. उसको हम बोलते हैं फ्रेंच स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ. ओके, सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्टिकल स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग ए टाई लाइन इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, टू टेक डिटेल ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट, टू टेक अ ऑफसेट फॉर डिटेल सर्वेइंग, नन ऑफ द अबव. आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाई लाइन. मान लो ये कोई सर्वे, आपका सर्वे ग्राउंड है, यहाँ पे सर्वे किया है आपने, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, और ये आपकी बेस लाइन है. ठीक है, और ये ऐसे, तो ये ए बी सी डी जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं मेन स्टेशन. क्या बोलते हैं, मेन स्टेशन. और जो इन मेन स्टेशन को जोड़ता है ना, जैसे ए से बी को जोड़ा, बी से सी को, सी से डी को, डी से ए को, इनको आप हम बोलते हैं टाई लाइन.
सॉरी इनको हम बोलते हैं टाई स्टेशन। ठीक है, ये जो टाई स्टेशन होते हैं इनको लाइन को जोड़ने के लिए, ए ए भी टाई स्टेशन है, बी सी टाई स्टेशन है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं टाई स्टेशन। नाउ दोबारा समझते हैं कि ये जो पॉइंट है ए बी सी डी, इनको हम बोलते हैं मेन स्टेशन, और इन लाइन को मैंने जोड़ दिया है, और इनमें मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं। मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट लिया ई और ये वाला पॉइंट लिया एफ, ठीक है, तो जो ई और एफ पॉइंट है ना, इनको हम बोलते हैं टाई स्टेशन, और जो इन टाई स्टेशन को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं टाई लाइन। ओके, और ये जो बी डी, ये जो ई एफ है वो एक टाई लाइन है, और ई एंड एफ क्या है, एक टाई स्टेशन। ओके, तो ये पूछ रहा है कि टाई लाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, नहीं, क्योंकि जो एक्यूरेसी ऑफ द वर्क को चेक करता है वो होती है चेक लाइन, जो बेस लाइन के अराउंड होती है, इसके अराउंड, ये जो बी डी है ना इसके अराउंड होती है, उसको बोलते हैं चेक लाइन के अराउंड। तो ये तो चेक ऑफ एक्यूरेसी नहीं है, तो गलत है। टू टेक डिटेल ऑफ ए नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन हो सकता था, पर ये कह रहा है कि टेक अ डिटेल, लेकिन जो ये जो टाई लाइन है ना ये क्या करती है, टाई लाइन इज अ लाइन जोइंग द टाई स्टेशन, ये ना आपको जोड़ती है, एंड दे आर हेल्पफुल लोकेटिंग द इनर डिटेलिंग ऑफ एन एरिया ऑफ सर्वे। तो ये इनर 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 की बात करता है, ठीक है, इसने कहा है टेक डिटेल फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट तो ये भी हो सकता है, पर ये जो टाई लाइन है ना ये इनर वाले जो सर्वे पार्ट है उसको ही मेजर करता है, ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। टेक ऑफसेट फॉर डिटेल सर्वे, ऑफसेट यूज भी नहीं कर सकते हम, हमने तो एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लिया उसको ज्वाइन कर दिया है। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट का लेटरल मेजरमेंट होता है सर्वे लाइन के अराउंड में, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल टू चेंजिंग बट नॉट अरेंजिंग, चेनिंग में कोई भी कौन सा इनमें से कौन सा ऑब्स्टिकल है, जो चेनिंग में तो ऑब्स्टिकल है पर रेंजिंग में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो जो हम रेंजिंग करते हैं वो इंटरमीडिएट जो पॉइंट है उनसे रेंजिंग करते हैं। मान लो रिवर है, ये आपकी रिवर है, और आपने यहां से मेजरमेंट स्टार्ट किया और आपको यहां जाना है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप यदि कोई पर्टिकुलर पॉइंट मेजर करना है तो बीच में तो हम मेजरमेंट कर नहीं सकते हैं, बीच में तो रिवर है तो रेंजिंग को नहीं लगा सकते हैं बीच में, तो ये क्या है रेंजिंग में इसमें एक ऑब्स्टिकल है, एंड फॉर चेनिंग में भी ऑब्स्टिकल है, तो रिवर तो इसका आंसर नहीं है। आप चलते हैं, ये है बिल्डिंग, तो जो बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग में क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, तो रेंजिंग तो में तो दिक्कत आती आती है, एंड उसमें चेनिंग में भी दिक्कत आती है, सो ऑप्शन सी भी गया। अब नन ऑफ द अबव और हिल लोग, अब हिल लोग क्या होता है, जो हिल लोग होते हैं ना वे छोटे हिल होते हैं, एक होता है बड़ा हिल माउंटेन टाइप के, लेकिन ये जो होते हैं ना ये छोटे हिल्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें ऑब्स्टिकल होते हैं चेनिंग के लिए, कि यहां से मेजरमेंट करें या इस डायरेक्शन में करें या इस डायरेक्शन में करें, बट इनमें रेंजिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, ए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टिकल टू चेनिंग, चेनिंग बट नॉट रेंजिंग, रेंजिंग बट नॉट चेनिंग, बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग, नाइदर चेनिंग और नो रेंजिंग। अब जो बिल्डिंग है ना, मान लो ये आपकी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और आपको मेजरमेंट करना है, यहां से आप मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपने सर्वे लाइन, ठीक है, तो यदि आप मेजरमेंट कर रहे हैं और चेन, तो मेजरमेंट करेंगे तो बीच में एक ऑब्स्टिकल आएगा, इसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल। तो इस ऑब्स्टिकल में क्या होता है कि आप चेनिंग भी नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे तो जाएंगे कि ऊपर जाएंगे फिर नीचे मीटर करेंगे, फिर नीचे जाएंगे फिर मीटर करेंगे, 30 मीटर चैन से, और रेंजिंग यदि आपने इंस्ट्रूमेंट लिया और आपने इंटरमीडिएट पॉइंट को गाड़े, तो इस वाले पॉइंट पर इंटरमीडिएट पॉइंट को गाड़ना पड़ेगा आपको, फिर यहां से नीचे जाना पड़ेगा। ओके, तो ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना ये दोनों में है, बोथ इन चेनिंग एंड द रेंजिंग, दोनों में ही ऑब्स्टिकल होता है बिल्डिंग। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एन ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है इज, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिकल स्क्वायर एंड द प्रिज्म स्क्वायर, डिफरेंस इन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग दैट ऑप्टिकल स्क्वायर इज मोर एक्यूरेट देन प्रिज्म स्क्वायर,
दैट नॉट एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन प्रिज्म स्क्वायर सिंस द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन नॉट बी चेंज ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. अब समझो व्हाट इज की ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है और प्रिज्म स्क्वायर क्या होता है. ऑप्टिकल जो स्क्वायर होता है ना वो यूज किया जाता है सेट आउट द राइट एंगल, ठीक है. और ये सारे जो स्टाफ होते हैं ना, ये ऑप्टिकल स्क्वायर स्टाफ होता है और ये जो यूज किया जाता है, यूज किए जाते हैं वो ऑप्टिकल जो स्क्वायर यूज किया जाएगा वो यूज किया जाता है सेटिंग आउट के लिए. कि यदि आपको डिटर्जेंट चाहिए किसी वाले पॉइंट के लिए तो क्रॉस स्टाफ लगाएंगे, तो उन जो क्रॉस स्टाफ से हम मेजरमेंट करते हैं ऐसे स्टाफ होते हैं, ये क्रॉस स्टाफ होता है. और यदि हम ऑप्टिकल स्क्वायर यूज करना है तो ऑप्टिकल जो स्क्वायर होता है ना उसमें दो मिरर होते हैं. एक जो मिरर होता है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स मिरर, इंडेक्स मिरर. तो जो दूसरा मिरर होता है वो होता है हाफ पेंटेड मिरर, ठीक है. और यदि ये आईपीस है, आपकी आईपीस यहाँ पे है और रेंजिंग, एक रेंजिंग रोड यहाँ पे वन में से कर रहे हैं और एक रेंजिंग रोड पीछे में कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इसका रिफ्लेक्शन रेंजिंग रोड का इस वाले पॉइंट पे जाता है, इससे इस पे जाता है और इससे हम इसे देखते हैं. तो ये सब जो मेजरमेंट होता है ना वो ऑप्टिकल स्क्वायर में होता है. इस ऑप्टिकल स्क्वायर में डिफरेंस वर्किंग जो होती है ना, जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है वो प्रिज्म स्क्वायर के सिमिलर ही होता है, अरेंजमेंट भी बिल्कुल सिमिलर ही होता है, पर डिफरेंस ये होता है कि प्रिंसिपल वर्किंग में होता है. जो ऑप्टिकल स्क्वायर में दो प्रिज्म यूज करते हैं, जबकि जो स्क्वायर, जो प्रिज्म स्क्वायर है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसकी जो अरेंजमेंट होता है ना वो डिफरेंट होता है ऑप्टिकल स्क्वायर से. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन प्रिज्म स्क्वायर स्क्वायर सिंस द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है. इसमें हम रिफ्लेक्टिंग सर्फेस को चेंज कर सकते हैं, रेंजिंग रोड कहीं बोल लगा के फिर मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिज्म स्क्वायर है उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं. तो ये भी सही है. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नाउ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ऑफसेट इनवॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड. मेथड ऑफ ए परपेंडिकुलर ऑफसेट्स, मेथड ऑफ ए ऑब्लिक ऑफसेट्स, मेथड ऑफ टाइज, ऑल इनवॉल्व इक्वल मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड. अब समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑफसेट. जो ऑफसेट होते हैं ना उनसे हम मेजरमेंट करते हैं. ये जो मेजरमेंट होता है ना ये होते हैं लैटरल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ सर्वे लाइन, उसको हम बोलते हैं, जिसको भी हमें डिटेल करनी है. मान लो इस कोई आपकी सर्वे लाइन है और आपको इसकी डिटेलिंग करनी है, तो इसमें लैटरल ऑफसेट डाला जाता है, उससे हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट की, इस पर्टिकुलर जगह की डिटेलिंग मिलती है, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट. यदि हम मेजरमेंट करते हैं लैटरल डायरेक्शन में, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है, और एक होता है ओब्लिक ओब्लिक ऑफसेट. जैसे टाई होती है, टाई ऑफसेट बोलते हैं इसको, वो भी ओब्लिक ऑफसेट होता है, ठीक है, ठीक है. तो जब हम परपेंडिकुलर ऑफसेट करते हैं तो उसमें जो मेजरमेंट होता है ना लेस मेजरमेंट मिलता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की मिल रही है. लेकिन जब हम ओब्लिक करते हैं तो हमें लार्ज एरिया मिलता है. यदि हम यहाँ इस वाले पॉइंट से हम यहाँ का भी देख सकते हैं, यहाँ का भी देख सकते हैं, यहाँ का भी देख सकते हैं, ठीक है. लेकिन परपेंडिकुलर ऑफसेट में हमें लेस मेजरमेंट मिलता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है. लेकिन यदि ग्राउंड एरिया बहुत ज्यादा है तो ऑफसेट्स में जो एरर आते हैं ना वो ज्यादा इंट्रोड्यूस जाते हैं, तो इनको हम स्मॉल एरिया के लिए यूज करते हैं, या फिर इनको हम नेटवर्किंग कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, फिर नेटवर्किंग करके तब इसका मेजरमेंट करते हैं, जिससे कि जो उसमें एरर इंट्रोड्यूस हो वो कम हो. तो ये पूछना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ऑफसेट इन्वॉल्व द लेस मेजरमेंट. लेस मेजरमेंट जो होता है वो मेथड ऑफ ऑफसेट में होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लेटर डैश में मेजरमेंट कर लीजिए सीधा सीधा ही और डिटेल मिल जाएगी आपको, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन, द परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट विद द चेन ऑन रफ और हिली ग्राउंड, ठीक है. अब समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एरर. जो एरर होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे कि एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू, ओके, उसको हम बोलते हैं एरर. तो ये कह रहा है कि कितना परमिसिबल एरर है चेनिंग में फॉर मेजरमेंट ऑफ द चेन. यदि हम चेन से मेजरमेंट कर रहे हैं रफ हिली ग्राउंड में, तो वो होता है 0.004 होता है 1 in 250. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. हम यदि 1 in 250 का एरर है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू एरर का जो डिफरेंस है ना वो 0.004 आ जाए या उससे कम आ जाए, ठीक है, तो हम इसको अडोप्ट कर लेंगे, इस वैल्यू को, मेजर वैल्यू को ट्रू वैल्यू को मेजर कर लेंगे, ठीक है.
यदि इसे बड़ी है तो ये परमिसिबल नहीं होगा। सो ऑप्शन ए बी इज करेक्ट, 1 into 50 इक्वल्स टू 0.004। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, द करेक्शन फॉर सैग इज ऑलवेज एडिटिव, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ऑलवेज जीरो, समटाइम एडिटिव एंड समटाइम सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि द करेक्शन फॉर अ सैग, अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैग। ठीक है, व्हेन टैप, जो आपका जो आपने जो टेप यूज किया हुआ है ना, मान लो वो टू पॉइंट से सपोर्टेड है, आपने एक टैप टेप यूज किया ए एंड बी, तो ये जो आपका टेप है ना, ये एक शेप ले लेता है, यदि लेंथ बड़ी है ऐसे शेप ले लेता है, इसको हम बोलते हैं कैटरनरी। क्या बोलते हैं? कैटरनरी। ठीक है, तो यदि आपका जो टेप है वो स्टैंडर्डाइज किया गया है फ्लैट के लिए, मतलब जहां से आपने बनवाया टेप वो स्टेट के लिए बनाया है ना, लेकिन यदि उस पर स्टैंडर्डाइज, यदि उस पे उसकी लेंथ को हम बढ़ा देते हैं तो वह कैटने की शेप ले लेता है, तो जो कैटने की शेप है वो लेंथ बड़ी होती है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से, तो जो करेक्शन होता है उस करेक्शन को हम लिखते हैं ट्रू वैल्यू माइनस की मेजर्ड वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है वो मान लो 10 मीटर है, मान लो 30 मीटर का टेप यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, तो जो कैटने की जो होगी वो होगी 30.01, क्योंकि कैटने का ये जो लेंथ होगी ये ऑब्वियसली बड़ी होगी, ए बी से स्टेट जो पोर्शन होगा उससे बड़ी होगी, तो जो करेक्शन होगा, जो ट्रू वैल्यू कितनी है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो आपका जहां से भी आपका टेप बना हुआ है वो वैल्यू वो 30 है, लेकिन आपने मेजर कितना कर लिया है 30.01, कैटने की शेप ले ली है उसने, तो जो करेक्शन होगा क्या हुआ, वो करेक्शन हो गया माइनस की 0.01। तो ये ऑलवेज होता है टेप में, टेप की लेंथ बड़ी हो जाती, बड़ी रहती है तो उसमें कैटनरी शेप आ जाती है, उस कैटनरी शेप की वजह से जो हम लेंथ मेजर करते हैं वो क्या होता है, मेजर वैल्यू तो बड़ी हो जाती है और ट्रू वैल्यू कम हो जाती है, तो जो करेक्शन फॉर सैग लगता है ना वो हमेशा नेगेटिव लगता है। ओके, क्योंकि जो लेंथ हमने मेजर किया वो बड़ी होती है क्योंकि हमें छोटी लेंथ चाहिए, तो करेक्शन क्या हुआ, नेगेटिव, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, रिमेंबर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जने क्वेश्चन आता है कि करेक्शन फॉर सैग क्या होता है, तो ये क्या होता है, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल, सेटिंग आउट राइट एंगल, मेजरिंग बियरिंग ऑफ द लाइन, नन ऑफ द अबव। सो जो क्रॉस स्टाफ होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज यूज सेटिंग आउट ऑफसेट एट राइट एंगल, राइट एंगल पर यदि आप ऑफसेट को, यदि ऑफसेट किस लिए यूज करते हैं, लेटरल मेजरमेंट होता है जो डिटेलिंग देता है किसी पर्टिकुलर स्पेस की। ठीक है, मान लो ये कोई सर्वे लाइन है और आपको यहाँ का कोई मेजरमेंट करना है, तो आपको एक ऑफसेट दिया आपने और उस ऑफसेट से आपने इस वाले पॉइंट का या इस वाले ग्राउंड का डिटेल किया, उसको बोलते हैं ऑफसेट। तो क्रॉस जो स्टाफ है वो यूज किया जाता है फॉर द राइट एंगल ऑफ द ऑफसेट, है ना, ऑफसेट एट राइट एंगल, और ये कहीं भी हो सकता है एनी पॉइंट ऑन सर्वे लाइन, और इसका जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें क्रॉस स्टाफ के लिए भी यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द सेटिंग आउट राइट एंगल, राइट एंगल पे आप यदि आपको ऑफसेट बनाना है तो हमें क्रॉस स्टाफ यूज करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखते हैं कि व्हाट इज द ऑप्शन, अनदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है, मेजरिंग अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल, नो, ये जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फॉर राइट एंगल ऑफसेट के लिए, मेजरिंग बियरिंग ऑफ लाइन, बियरिंग ऑफ लाइन हम मेजर नहीं करते हैं क्रॉस स्टाफ से, हम मेजर करते हैं ऑफसेट। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, नॉर्मल टेंशन इज दैट पुल विच इज यूज एट अ टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टेप, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल एंड सैग, मेक द करेक्शन ड्यू टू सैग इक्वल्स टू जीरो, मेक द करेक्शन ड्यू टू पुल इक्वल्स टू जीरो। तो आप देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉर्मल टेंशन,
इज दैट पुल। ठीक है, तो यदि आपका ये टेप है और ये टेप इंस्टेंडाइज किया गया स्टेट के लिए, स्टेट स्टेट पोर्शन के लिए इंस्टेंडाइज किया गया है, और उसमें कैथल रिएक्शन हो गया है, ठीक है, तो उसकी जो शेप है वो बढ़ गई है टाइम के साथ। तो क्या होता है कि हम इस पे पुल लगाते हैं, पी फोर्स लगाते हैं, जिससे कि ये अपनी जो पर्टिकुलर पोजीशन है, स्टेट पोजीशन, उस पे आ सके। तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है सैक को, जो सैक आया है इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जो कैटरी एक्शन है उसको काउंटरैक्ट करता है। तो नोमल टेंशन इज यूज फॉर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल एंड सैग। ठीक है, तो यदि मैं पुल की बात करूं तो पुल क्या होगा, पुल होता है पी एन माइनस के पी नॉट एल बाई ए। ओके, और ये क्वेश्चन हो जाता है डब्ल्यू एल इंटू एल स्क्वायर बाई 24 पी स्क्वायर, जो सैग की वजह से करेक्शन आता है, उस करेक्शन होता है, ये नेगेटिव करेक्शन होता है। ओके, तो इस वाले करेक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए पुल जो लगाते हैं ना, नॉर्मल टेंशन, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेंशन पुल। ओके, सो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट ड्यू टू पुल सैग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और देखते हैं और ऑप्शन क्या है, इट इज यूज टू टाइम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टेप, नहीं, ये बाद में कर सकते हैं, मेक द करेक्शन ड्यू टू सैग इक्वल्स टू जीरो, नहीं, न्यूट्रलाइज करता है सैग को, सैग तो आएगा ही, मेक द करेक्शन ड्यू टू पुल इक्वल्स टू जीरो, नहीं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे।